तो अभी सब लोग वेलकम के लिए यहाँ रुके हुए हैं। फॉर्च्यूनर आ रही है ना, उस वाले फॉर्च्यूनर पे है, वो भी दिख जाएंगे। थैंक गॉड फाइनली मैंने देख लिया दलाईलामा जी को। मैं आ गया शांति स्तूप के अंदर और यहाँ पे ना आपको मंदिर मिल जाएगा जहाँ से आपको लेकर ना 360 व्यू मिलता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज ना हमारा लेह में पहला दिन है, मतलब पहली मॉर्निंग है और यहाँ से आपको झूले। और अभी ना मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट की तरफ, थोड़ा सामान लेने के लिए। बाइक मैंने वहाँ पे पार्क कर दिया और एक्चुअली यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ खड़ी है इसलिए क्योंकि आज आ रखे हैं यहाँ पे दलाई लामा जी और अभी वो विज़िट कर रहे हैं। अभी एक्चुअली मैं बाइक नीचे रख के आया हूँ क्योंकि वहाँ पार्क करने के लिए नहीं दे रहे, तो मैंने सोचा नीचे गाड़ी खड़ी करके फिर आगे बढ़ता हूँ। जाके सारी मार्केट अभी बंद है क्योंकि ना अभी दलाई लामा जी आ रखे तो वहाँ पे कहीं पे विज़िट कर रहे हैं आगे जहाँ हम लोग का रूम है वहीं के आसपास वो वहाँ पे। तो अभी सब लोग वेलकम के लिए यहाँ रुके हुए हैं और थोड़ा हम भी वेट कर लेते हैं। बहुत अच्छी किस्मत है, मैं सामान लेने के लिए आया था और मैंने भीड़ देखी तो मैंने पता कर लिया पुलिस वालों से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि दलाई लामा जी आ रखे हैं, तो चलो हमने सोचा आ रहे तो हम भी वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं सुबह ने उनको देखने का मौका मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से आएंगे आगे को। तो अभी उनकी मूवमेंट हो गई है, मतलब वो इधर से अब इस वाले रास्ते से आगे को जाएंगे। तो सारे लोग रेडी हो गए उनको गमछा पहनाने के लिए। तो देखते हैं अगर गाड़ी यहाँ रुकेगी धीरे धीरे भी जाएगी तो मैं उस तरफ चल जाता हूँ पहले। तो उनके यहाँ का जो काफिला आने लग गया है और ये सारी सिक्योरिटीज है जो आगे से चल रही है। उसके बाद आगे किसी गाड़ी पे है वो फॉर्चुनर, सर ये वाले जो फॉर्चुनर आ रही है ना इस वाले फॉर्चुनर पे है, वो भी दिख जाएंगे। तो ये उनकी सिक्योरिटी है। तो ये थैंक गॉड फाइनली मैंने देख लिया दलाई लामा जी को और ये सारा काफिला है जो उनके साथ चल रहा है। तो इतने सारे लोग थे जो वेलकम करने के लिए रुके थे और इस तरीके की जो भीड़ थी। तो मैं ना अब रूम पे आ गया और रूम पे आने के बाद अभी मैं बना रहा हूँ भाई लोगों के लिए चाय। और चाय ना हमारे इधर ही बन रही क्योंकि यहाँ जो मैंने खाना पीना पता कराना अभी तो उन्होंने खाने का बोला कि एक थाली का 200 रुपये और 200 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा, चावल दाल और सब्जी, इतना महंगा। इससे ज़्यादा तो हमने कल खाया था, कल हमने कम से हमारा कल खाने कितने का हुआ था, कल 500 रुपये का ना, 500 रुपये में 3 लोगों ने खाया था वो भी पेट भर के और वो भी अच्छा खाना। रूम भले सस्ता है, रूम हमको पड़ा 600 रुपये का, लेकिन जो खाना पीना ना बहुत महंगा है क्योंकि हम तो बजट ट्रेवलर्स हैं, हमको तो बजट बचा के खाना बनाना है और क्या कहते हैं ट्रैवल करना है, तो इसलिए हम बजट में काम कर रहे हैं अपना। तो अब चाय बनाते हैं और रोहित भी अभी सामान लेने के लिए गया है खाने के लिए ओट्स, आज हमारा प्लान है ओट्स खाने का, तो वो ओट्स लेने के लिए गया है और उसके बाद ओट्स बनाते फिर ओट्स खाते हैं। और रोहित ना ओट्स ले आया था तो अभी हम ओट्स वगैरह बनाएंगे, ओट्स खाएंगे। उसके बाद फिर मेरे कुछ कपड़े थे तो कपड़े मैंने धोने क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मैंने कपड़े वगैरह धोए नहीं थे, तो आज ले में ना हमको मौका मिला अपने सारे कपड़े धोने के। यहाँ जो केयर टेकर है ना उससे कहा था कि कपड़े धोने, तो उसने बोला कि सर
आपके जो चार्ज पड़ेंगे पर कपड़े के वो पड़ेंगे 40 रुपये। तो मैंने बोला 40 रुपये तो हमारे पास देने के लिए है नहीं, क्योंकि हम तो बजट ट्रेवल कर रहे हैं, और अपने कपड़े धोने के लिए 40 रुपये देना कोई वर्थ नहीं था, क्योंकि 10-20 कपड़े थे, तो अगर 10-20 कपड़े हो जाते तो 800 रुपये तो आपके सिर्फ कपड़े धोने के होते हैं। तो मैंने बोला कपड़े हम 800 रुपये तो धोने के देंगे नहीं। तो मैं ले आया 16 रुपये का ये ऋण। अब ये ऋण लगाते हैं, मेहनत करते हैं थोड़े, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत भी करनी ज़रूरी है। कपड़े धोते हैं, उसके बाद फिर इनको सुखा देते हैं, और उसके बाद कुछ करेंगे आज मार्केट में भ्रमण। और ये मेरे गियर्स के वो हैं गार्ड्स, तो मैंने इनको अलग कर दिया है। और कुछ कपड़े मेरे उस बैग में हैं, और कुछ कपड़े इस पॉलीथीन में ब्लैक वाले में, तो ये सब साफ़ करते हैं। तो फाइनली मैंने अपने कपड़ा वगैरह सब धो दिया है। एक ये बंडाना था, ये पैंट ट्रैक, ये टी शर्ट थी, ये मेरा राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट ये हो गई, एक ये टी शर्ट ये भी धो दी है। और ये है यहाँ की, ये इसका नाम है डॉलर, बहुत प्यारी है ये डॉलर। डॉलर ये थेरिया में जो भाग के आ रहा है, ये और इसके बच्चे हैं। तो अभी ना मैं बाहर को आया था अपने कपड़ा वगैरह निकालने के लिए, तो अभी अचानक मैंने देखा मेरी गाड़ी का जो ये जेरिकेन है ना, इसमें मैंने तेल भर रखा था, तो इस साइड से देखोगे आप हल्का सा उड़ गया, तो गैस भर गई थी इसमें, क्योंकि खाली भी करना था मैंने। अभी इसकी मैंने हल्की हल्की गैस तो निकाल दी थी, तो ऐसी गैस बनी हुई है, गैस निकाल के फिर इसको डाल दूंगा मैं आपका टैंकी के अंदर। तो जब भी आपका कभी गैस भरता है ना, तो ये वाला खोल दीजिए, और जो गैस बनी होगी वो सारी निकल जाएगी। तो कपड़े वगैरह सब सूख गए थे मेरे, और कपड़े सूखते ही ना ये मौसम हो गया सीरियस गाइस, बारिश हो गई है। और जैसे मैं बाहर निकलने का सोच रहा था तो बारिश वगैरह हो गई, तो अब प्लान क्या है ना, देखते हैं बारिश रुकती है तो बारिश रुकने के बाद शांति स्तूपा जाने का प्लान था। एक्चुअली शांति स्तूपा दिखता है यहाँ से, अगर आपको मैं दिखाऊँ, अगर यहाँ से सामने वहाँ पे ना वो देख रहे हैं आप, ये शांति स्तूपा का टॉप है। तो प्लान था मेरा शांति स्तूपा जाने का, लेकिन अब बारिश आ गई, अगर बारिश रुकी तो उसके बाद जाते हैं, पास में माल रोड है और माल रोड भी विजिट करना है। तो देखो अगर बारिश रुकी तो फिर जाते हैं माल रोड की तरफ और शांति स्तूपा को। सो फाइनली बारिश रुक गई है और शाम भी हो गई थी, तो मैं सोचा कि एक राउंड माल रोड की तरफ घूम के आता हूँ। तो रोहित और विक्की तो आ नहीं रहे, क्योंकि ना भाई यहाँ इतनी सांस क्यों फूलती है, बोलने में सांस फूल जा रही है। तो अभी ऐसा है, रोहित और विक्की तो रूम पे ही हैं, वो एडिट वगैरह कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि शाम के समय थोड़ा सा मॉल रोड में घूम के आता हूँ, वहाँ का देख के आता हूँ नज़ारा कैसा है और क्या क्या वहाँ मिलता है। तो ये गली है और गली के अंदर हमारा मतलब रूम है, ज़्यादा नहीं है, बस ये पास में ही जहाँ लाइट दिख रही है वो रोड आ गई, और वहीं से लिंक रोड आपका मेन ड्राइव आ जाएगा। तो ज़्यादा दूर है नहीं, मुश्किल से मेन रोड से 100-200 मीटर के दूरी पे आपका होटल है जहाँ हम रुके हुए हैं। तो अब जाते हैं मेन मार्केट में और कुछ देखते हैं क्या क्या वहाँ मिलता है। और पता है आज मार्केट बिल्कुल शांत है, जो हमारा यहाँ होटल में जो केयरटेकर है वो कह रहा था कि आज मार्केट बिल्कुल शांत है और बिल्कुल ठंडा पड़ता है। जैसे ही ना मैं मेन रोड में जा रहा था तो मुझे किया ओल्ड टिब्बेटन रिफ्यूजी मार्केट देखिए बंद है, देखते हैं क्या क्या मिलता है। अभी कुछ सामान वगैरह मैंने ले लिया है, वो आपको मैं जब रूम में पहुंचूंगा तब दिखाऊंगा, और यहाँ से बाहर निकल के मेन मार्केट को चले जाऊंगा जहाँ पर आपका माल रोड वगैरह है। तो यहाँ मैंने मार्केट के अंदर एंटर कर लिया, और आज ना भीड़ बहुत कम है। जब मैं लोगों से पता कर रहा हूँ तो वो भी कह रहे थे कि भीड़ आज बहुत ज़्यादा कम है, और दिन भीड़ रहती थी, जबकि आज वीकेंड है, संडे का दिन है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं, और मार्केट भी लगभग लगभग यहाँ क्लोज ही है सब कुछ, कुछ कुछ दुकानें खुली है, कुछ कुछ दुकानें क्लोज हैं। तो इस तरह कुछ आपका नज़ारा है यहाँ का, और शांति बहुत है, बहुत ज़्यादा शांति।
उसमें मार्केट में तो समझ में आ नहीं रहा है। और यहाँ ना आपको ज़्यादातर पश्मीना शॉल्स यानी कश्मीर के शॉल वगैरह आपको मिल जाएगी, और फूड स्ट्रीट फूड्स वगैरह की बहुत सारी शॉप्स हैं, और ज़्यादातर आपको कश्मीरी शॉप में होती है ना वही दिखेंगी, और बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। और अकेला होना तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ घूमूँ क्या घूमूँ और क्या देखूँ, क्योंकि साथ में कोई होता है ना तो एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले में तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है, और कुछ मेरे मतलब का तो ऐसा कुछ यहाँ सामान दिख नहीं रहा है। तो अब जाते पहले रूम पे, फिर दोबारा उनके साथ आऊँगा मैं मार्केट को। तो आज ना ले में मुझे 3 दिन हो गया, मैं 3 दिन से हम रूम पे बैठे थे, तो आज मैंने सोचा कि कहीं घूमने चले जाता हूँ। तो मेरा प्लान था ना कि आज शांति स्तूपा देखाऊँ, और शांति स्तूपा ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बस 1-2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ और उसके बाद एक ले पैलेस करके कोई जगह है वहाँ जाता हूँ। तो मैंने इसकी बैटरी रन हो गई थी, तो ये धक्का मार के गाड़ी फंस गया और बढ़ता आगे को। वहाँ मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी, और ना यहाँ पे आपका है शांति स्तूपा, और यहाँ से आपको पूरा दिखता है ले सिटी, और वो सामने ना वो जो पैलेस है उसे कहते हैं ले पैलेस, तो वहाँ भी हमने विज़िट करना है, तो अगर टाइम मिलेगा तो वहाँ जाएंगे। तो फिलहाल ना फिलहाल अभी अंदर जाते हैं और अंदर जाके दर्शन वगैरह करते हैं और कुछ लेते हैं सिनेमेटिक शॉट। एक टिकट अंदर जाने का टिकट होगा ना, एक दे दीजिए, कितने का है? 30। ओके, तो यहाँ से आपको टिकट लेना है और टिकट लेके अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। तो मैं आ गया शांति स्तूपा के अंदर, और यहाँ पे ना आपको मंदिर मिल जाएगा जहाँ आप मेडिटेशन कर सकते हो, और आगे ऊपर शांति स्तूपा। तो शांति स्तूपा के बारे में वहाँ जाके पता करते हैं क्या है वहाँ की कहानी। समय शांति स्तूपा आपके चंग लेके चांगस्पा गांव के ऊपर बना एक शांति पीठ है, और शांति पीठ ये आपका जो बुद्ध थे ना उनके जापान के कुछ बुद्धों के द्वारा बुद्ध समुदाय के जो शांति गुरु थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ताकि मतलब विश्व में शांति फैलाने के लिए इसका एक निर्माण किया गया था। और तो 1985 के दौरान इसका निर्माण हुआ था, और इसकी जो नींव रखी थी वो दलाई लामा जी ने रखी थी, और 6 साल इसके निर्माण में लगे, और 1991 में ये कंप्लीट हो गया था बनके। यहाँ से आपको ले का ना 360 व्यू मिलता है, और आप यहाँ से पूरे ले को आराम से देख सकते हो। तो आप मेरे सामने देखोगे ये पूरा ले सिटी है, और अगर आप गौर करोगे ना तो ये कुछ एरिया तक आपको पेड़ दिखेंगे, और उसके बाद कहीं भी आपको पेड़ वगैरह नहीं दिखेंगे। बेसिकली जो शांति स्तूपा का जो निर्माण हुआ था ना, वो आपके ध्यान लगाने के लिए और एक शांति का संदेश देने के लिए, विश्व में शांति का संदेश देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और वो चीज़ आपको यहाँ जब आप आओगे ना तो वो चीज़ बिल्कुल फील करोगे कि यहाँ बहुत शांति है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और यहाँ ना बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैं सोचा नीचे जाता हूँ, नीचे से ना आपको व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकेशन के जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी लोकेशन है, तो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बोर्ड पे दिया है। तो मैं नीचे
नीचे आ गया था। नीचे ना यहाँ आपको बहुत सारे पॉइंट सीखेंगे इस तरीके से, और जगह जगह पे पॉइंट दिए जहाँ आपको डिटेल दिया है कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन है। जैसे यहाँ से ना आपको खारजुमला पास दिख जाएगा, इधर से आपको इस वाली रोड से इंदुस नदी दिख जाएगा, वहाँ से आपको माथो गांव दिख जाएगा, आगे से आपको जो आपका रॉयल पैलेस है स्टॉक वैली स्टॉक विलेज वहाँ दिख जाएगा, जहाँ अभी ऑफिशियली राजघराना है लद्दाख का। तो ऐसे कुछ लोकेशन की डिटेल यहाँ से दिया रहती है। और जैसे ना कल, तो जैसे कल हमको ना खारजुमला जाना है, तो इस वाले रास्ते से हमको खारजुमला जाना है, और यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर है आपका खारजुमला पास। तो कल जो हमारा विजिट रहेगा ना खारजुमला पास का रहेगा। हाँ, आपको एक मंदिर है जो कि इधर पे है, जो मेन मंदिर है यहाँ का बुद्धिस्ट मंदिर, वो इस तरफ है। तो अभी वहाँ भी जाएंगे और वहाँ से भी दर्शन वगैरह करके फिर नीचे उतरते हैं। एक और मंदिर के अंदर हूँ, और ये मंदिर ना आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये थोड़ा सा ना आपको एशियन टाइप दिखेगा। इसमें बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियाँ हैं अलग अलग टाइप की, और दिया वगैरह भी बहुत सारे जले हुए हैं, और सीढ़ी नुमा मतलब अलग अलग तरीके से बुद्ध भगवान को रखा गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले दिया जला रखा है, उसके ऊपर फिर बुद्ध की एक मूर्ति, उसके ऊपर बुद्ध की एक मूर्ति, और ऊपर बहुत सारे अलग अलग बुद्ध की मूर्ति, और आपके साथ जापानी से चाइनीज़ भाषा में भी कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ का अंदर का नज़ारा है, दृश्य है, जो भी कह लो आप। तो मैं अपना मंदिर से बाहर आ गया, मतलब शांति स्तूप का जो बुद्ध टेम्पल है वहाँ से बाहर आ गया। अब यहाँ से वापस नीचे को जा रहा हूँ। अब जब मैं आ रहा हूँ ना ऊपर, तो अब भीड़ चालू हो गई है, लेकिन अब जाने का टाइम हो गया। नीचे जाके फिर शायद आपका लेह पैलेस जाने का प्लान है, अगर पहुँचते पहले रूम पे उसका देखते हैं लेह पैलेस का। तो गोप्रो है ना, उसकी बैटरी खत्म हो गई है, तो अब डायरेक्ट रूम पे मिलते हैं। तो मैं शांति स्तूप से अपने रूम पे आ गया था, और रूम पे आने का थोड़ा देर रील्स वगैरह अपलोड करें अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, कोई स्टोरी अपलोड करी तो जाके उसको चेक करिएगा मैं इंस्टाग्राम आईडी। और इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है देवभूमि मोटो व्लॉग, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ देवभूमि मोटो व्लॉग, उसमें जाइए, वहाँ जाके मेरे अच्छे अच्छे रील्स देखिए। और अभी देखिए कितना प्यारा मौसम हो रखा है इस समय, बहुत ही अमेजिंग मिजमराइजिंग मौसम हो रखा है। और यहाँ मेरी अपनी बाइक खड़ी है, मेरी देवभूमि मोटो व्लॉग वाली बाइक। तो अभी क्या प्लान है, अभी हम यहाँ से ना नीचे जा रहे हैं, मतलब मार्केट की तरफ, और कुछ खाने पीने का देखते हैं, कुछ खाते हैं, और कुछ थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, और आज ये वीडियो शूट करके मेरे को अपलोड करना है कल। तो चलते हैं अभी मार्केट, और मार्केट से कुछ अच्छी अच्छी जगह की लोकेशन की वीडियो बना के डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी ना जिस होटल पर हम रुके हुए हैं वहाँ ना अपने छत पर चढ़ा था, तो ये दो प्यारे प्यारे से डॉग थे, इनको देखने के लिए मैं छत में आ गया था। तो इनको छत में देखने के लिए ना मैंने एक चीज़ देखी, कि उस पहाड़ पे सामने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, नेशन फर्स्ट। तो आज मेरे को 3 दिन हो गए हैं, और 3 दिन में ये आज मैं देख रहा हूँ पहली बार, क्योंकि हमारे छत से ऐसे दिखता नहीं था। तो मैं आज ऊपर चढ़ा तो मेरे को ये चीज़ दिखा, बड़ी प्यारी चीज़ है अल्टीमेट। तो ऐसे पहाड़ में बनाया है, पता नहीं वहाँ शायद कुछ रेस्टोरेंट है या कुछ है, पता नहीं, किसी से पता करते हैं। हमारे छत से ना दो चीज़ दिखती है, वो अभी मैंने देखी, एक तो ये सामने देखिए, ये चेक करिए गाइस, दे ये आपका शांति स्तूपा। तो हमारे छत से दिखता है और पता नहीं था, यहाँ शांति स्तूपा हो गया, और ये सामने हो गया आपका ले पैलेस, ये वाला ले पैलेस है, और ये आपका गोम्पा। तो दोनों हमारे छत से दिखता है, अब जाना ना जाना हो तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ से दिखता है। वहाँ पहुँच गया, वहाँ अगर होता है, आज नहीं जाएंगे तो अभी हमारा कल खारजुमला वाला ट्रिप है, खारजुमला से नुब्रा, नुब्रा से पेंगोंग, पेंगोंग से बाद इधर जब हम वापस आएंगे ना, तो तब ये वाला सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो अभी चलते हैं मार्केट को। तो अभी ना मार्केट में आए थे, और अपना थोड़ा सा गाड़ी का काम करने निकले थे, विक्की का थोड़ा सा बाइक में थोड़ा सा एक पार्ट टूट गया था, वो चेंज करना था, और उसको ब्रेक पैड डलवाने थे आगे के, और मैंने डलवाने थे अपने पीछे
गाड़ी के ब्रेक पैड, तो अभी गाड़ी के ब्रेक पैड मैंने दिलवा दिए हैं। उसके बाद ये लोग कर रहे हैं कुछ डांस पार्टी, मस्ती वगैरह कर रहे हैं। एक भाई है जो कि गाना गा रहा है, लद्दाखी गाना, और उसके गानों पे ये दोनों कर रहे हैं मस्ती। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी में काम, इनको कराते हैं मस्ती। सो फाइनली हम रूम पे आ गए हैं, और जो गाड़ी का काम था ना विक्की का, वो हो गया। मेरे ब्रेक पैड डल गए थे, तो अभी कुछ ऐसा खास काम हो नहीं पाया क्योंकि रात के 11 बज गए थे। विक्की की गाड़ी में काम कराते कराते वो मैकेनिक इतना ढीला था ना, उसने जो काम 1 घंटे में होना था उसको 2-2.5 घंटे लगा दिए, तो उस चक्कर से हमको लेट हो गई थी। तो अब हम रूम पे आ गए और अपना हम खाना वाना बना रहे हैं, खाना बना के खा के फिर सो जाएंगे। तो अगर आपने मेरी यहाँ तक ये वीडियो देख ली तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कल हम जाने वाले हैं खारदुंगला, तो अभी हमने खारदुंगला के लिए अपने लिए ऑनलाइन पास बनाया है, तो वो भी रेडी करते हैं, वो सब काम करते हैं। उसके बाद कल सुबह निकलेंगे हम खारदुंगला के लिए, तो मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय।